हमारा मैंगो केक बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। नमस्कार, रीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो केक, क्योंकि ऐसी चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगो केक के लिए एक कटोरी मैदा ली है और ये हाफ कटोरी में चीनी ली है, एक गिलास मैंने दूध लिया है और एक ये मैंगो लिया है और एक ये इनो का पाउच लिया है और बेकिंग पाउडर। तो चलिए इसका घोल तैयार कर लेते हैं। बावल में ये मैदा डाल लेते हैं। और इसमें ये चीनी ली थी उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, इसमें डाल देते हैं इसको। और ये जो मैंगो लिया था अब मैंगो को डाल देते हैं, मैंगो को भी मिक्सी में पीस लिया था। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और एक घोल सा तैयार कर लेते हैं। घोल में हमने थोड़ा थोड़ा तर डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करें काफ़ी देर तक, ताकि इसमें ये गांठे ना पड़े। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हमारी गाढ़ी है, इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लेते हैं। देखिए ये हमारा अच्छे से घुल के तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अभी एक गोल बर्तन लिया है और इसमें ये एक पेपर इसी के शेप में काट लिया है। मैंने घर पे ही अपना नॉर्मल पेपर जो होता है वो लिया है और इस पे ब्रश से हमें घी को फैला देंगे, ताकि हमारा घर पर ही ये बटर पेपर तैयार हो जाएगा। हमने ऐसे ब्रश से और पूरे में ये घी फैला लेना है। घोल हमारा देखिए तैयार हो गया है। अब इसमें हम हाफ स्पून डाल लेते हैं ये बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें इनो पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा घोल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमने जो ये हमारा बर्तन तैयार किया था इसको हम इसमें डाल लेते हैं अपने घोल को। इधर कढ़ाई में 2 गिलास पानी को मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें इस स्टैंड को रख देते हैं अच्छे से और इसके ऊपर इसको सेट कर देते हैं अच्छे से। अब मीडियम फ्लेम पे और 10 मिनट इसको ढक के पका लेते हैं। 10 मिनट बाद चेक करेंगे इसको। ये देखिए इसे 10 मिनट हो गए हैं। अब 10 मिनट बाद हम इसे एक बार हटा के देख लेते हैं। ये देखिए अभी हमारा ये अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ये गीला गीला सा है, थोड़ा पानी सा पानी। ये जब तैयार हो जाएगा तो ये बिल्कुल ड्रायर हो जाएगा। तो इसको हम दोबारा ढक देते हैं और इसे 10-15 मिनट बाद फिर चेक करते हैं। ये देखिए केक हमारा बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल ही ड्राई हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं।
ये देखिए इसको हमने प्लेट में निकाल लिया, अब इस पेपर को हम हटा लेते हैं। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा सा तैयार हुआ है। अब इसे हम दूसरी प्लेट में डाल लेते हैं, इस प्लेट को उल्टा करके और इसको ऐसे उल्टा कर लेते हैं। और ये देखें हमारा केक सीधा हो गया है। अब इस पे हम ये जो मैंगो पिस्सा था हमने वो थोड़ा सा बचा के रखा था, अब इसको इसके ऊपर फैला देते हैं। अब इस पे ये पीसीज रख लेते हैं मैंगो के। और ये देखिए हमारा मैंगो का केक बन के तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया। देखिए हमारा मैंगो केक बन के तैयार हो गया। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी। गाइस ये रेसिपी आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी केक तैयार होता है घर पे। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।